खुशियों की गुल्लक आशी। हमने बेबी फूड के सारे फ्लेवर्स टेस्ट किए, वनीला, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बट बनाना इज द अल्टीमेट। चॉकलेट टेस्ट किया तूने? अरे इस फाइल पर बेबी फूड पुष्कर के घर पर लगा था। उसके घर पर बच्चों के खिलौने भी बिखरे हुए थे, और जैसे ही मैं वहां पहुंचा उसके घर वाले सारे चीजें समेटने लगे। इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग? क्या क्या इसका मतलब? सीमा जी का बच्चा किडनैप नहीं हुआ। बच्चा पुष्कर के घर पर ही है। आइए इंस्पेक्टर। पुलिस? ये पुलिस क्यों आई है यहां पे? आपके घर की तलाशी लेनी है। हमारे पास सर्च वारंट है। ये क्या तरीका हुआ? हम कोई चोर चक्के हैं जो पुलिस हमारे घर में चली आ रही है? वकील साहब, कागज का टुकड़ा दिखाकर आप हमारे घर में नहीं घुस सकते हैं। ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, सर्च वारंट है। इंस्पेक्टर, आप प्लीज अपना काम कीजिए, तलाशी लो। सर, सारा घर देख लिया, कुछ भी नहीं मिला। सर, कुछ नहीं मिला। पूरा घर देख लिया सर, बच्चा कहीं नहीं मिला। हो गई तसल्ली अब आपको? अब जाके आप उस औरत से पूछिए जिसने खुद अपना बच्चा अगवा किया है। वकील साहब, कभी कभी रोती सूरत पे भरोसा नहीं करना चाहिए। वो औरत झूठी है और आप उसका साथ दे रहे हैं। महंगी चीज लग रही है। बड़ी कंपनी का है। काकी,
मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो और ये मेरा पेन? लिख लू ना तो मुझे नींद नहीं आती। घर से आते वक्त किताब और पेन घर पे भूल गई, तो सोचा तुम कॉलेज पढ़ती हो, तुम्हारे पास पेन और किताब तो होगी ना। हाँ, आप मेरा ये रजिस्टर रख सकती है, आप इसमें लिखिए। अच्छा, हाँ शुक्रिया। अरे बेटा, तुम्हारे बाल कितने सुंदर है। रात को सोते वक्त ना इसमें तेल लगा लिया करो। हाँ जी। मेरे फोन की बैटरी कहाँ रख दिया मैंने? पोर्टेबल चार्जर यहीं पर तो रखा था। मैं ना आजकल सब भूलने लग गई हूँ, यहीं पर तो था। आशी फोन उठाओ। विशेष, हेलो। ओके ओके, मैं साहिल को लेकर तुरंत पहुंचती हूँ। ओके बाय। अरे उड़न खटोला, रुक तो सही। पगलिया, मैं काम के लिए नहीं रोक रही हूँ। बोलो। ये बता कि काकी जो है, काकी का क्या? अरे नहीं, मतलब काकी जो है वो ठीक तो है ना? अब काकी को क्या हो गया? नहीं मतलब काकी जो है वो थोड़ी अलग लगती है, और तुम्हारे मम्मी पापा अलग है। मतलब लगती ही नहीं है काकी की तुम्हारे परिवार की है। नहीं, काकी का परिवार और हमारा परिवार अलग ही है ना। काकी हमारे परिवार की कैसे लगेगी? हाय गजब, काकी का और तुम्हारा परिवार अलग है? और नहीं तो क्या, काकी तो बोल। सही लग गया। हाँ? मुझे लेट हो रहा है। आशी, आशी रुक तो सुन। हाय गजब, आशी का और इसकी काकी का परिवार अलग है? ऐसे कैसे? ओह अच्छा, काका और काकी अलग रहते हैं, इसलिए पगलिया कह रही है कि अलग परिवार है। और मैं भी ना क्या गणित लगाती हूँ। हाँ नहीं तो पता नहीं ये काकी कौन है। जो भी, बड़ा अजीब नमूना है ये। नर्मदा मैया की कसम, इस काकी में कुछ तो गड़बड़ है। आशीष, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम्हें अब तक नहीं पता चला क्या? पापा घर घर जाके बच्चों को ट्यूशन देने लगे हैं। क्या? हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि इस उम्र में आकर अचानक उन्हें काम करने की क्या जरूरत पड़ी। किस किस को समझाऊं कि वो हमारे साथ नहीं रहते अभी। उनकी लाडली आशी बड़े शान से हमारे घर से उनको लेकर गई थी, जैसे जिंदगी भर वो ही पालने वाली है उन्हें। ऐसा क्या हो गया आशीष कि सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर उसने उन्हें बाहर भेज दिया काम करने के लिए? हमारे साथ जब रहते थे तो कभी भी पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा। पैसों की तंगी थी ये बात अच्छे से पता थी उन्हें, मगर पैसे कमाने का ख्याल कभी उनके मन में नहीं आया। लेकिन आशी, उस आशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। अब जानबूझ के कर रहे हैं ये सब ताकि सबके सामने मेरी इज्जत उतार सके। अरे जॉब ही करनी थी तो कोई पार्ट टाइम जॉब करते ना, कि घर घर जाकर जॉब करने की क्या जरूरत थी? अब मुझे क्या पता क्या जरूरत आन पड़ी। मैं तो तुम्हें वही बता रहा हूँ जो मैं लोगों से सुनते आ रहा हूँ।
आशीष आप प्लीज गुस्सा मत करिए, शांत हो जाइए। वैसे भी मम्मी पापा क्या करते हैं क्या नहीं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनसे कोई संबंध ही रहा हमारा। वैसे भी हमारी जिंदगी में बहुत परेशानी है, जो असल परेशानी है उसके बारे में बात करते हैं। आपकी मोहन बिल्डर से बात हुई? मोहन बिल्डर को मैंने दो बार फोन लगाया पर उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। अब लगता है उन्हें ऑफिस में जाकर ही मिलना पड़ेगा। पता नहीं नए फ्लैट का पोजीशन कब देंगे ये लोग। बच्चा पुष्कर के घर पर नहीं था। क्या? अगर बच्चा वहां नहीं था तो कहां पर है? इसका मतलब है कि सीमा ने बच्चे को किडनैप किया। इसी बात को लेकर तो मैं खुद हैरान हूं। भूतिया प्लॉट में कोई रोज लोरी गा के उस बच्चे को चुप भी करवाता है। सुनने में ये भी आया कि पास में रिसोर्ट के कंस्ट्रक्शन को भी रोका जा सकता है अगर बच्चे की रोने की आवाजें यूं ही आती रहें। रिसोर्ट के ओनर को भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है अगर बच्चे के रोने का राज सामने ना आया। रात के सन्नाटे में बच्चे का रोना और उसे लोरी गा के किसी का चुप करवाना, ये दोनों ही बहुत अजीब घटना है। आखिर क्यों रोता है बच्चा इस प्लॉट में? लगता है विशेष को इस भूतिया प्लॉट में कोई नया केस दिखाई दे रहा है। और कौन रात में लोरी गा के उसे चुप करवाता है? पिछले 3 दिन से पुष्कर के फार्म से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देना, लोरी गाकर बच्चे को चुप कराना और ठीक 3 दिन पहले सीमा जी के बच्चे का गायब होना, इसका मतलब मतलब क्या? क्या यार, मतलब इन सारी बातों का क्लियर कनेक्शन है। बच्चा पुष्कर नहीं किडनैप किया और उसे अपने घर पर नहीं बल्कि फार्म में छुपा के रखा है। तभी तो फार्म से बच्चे के रोने की आवाजें आ रही हैं। ओके, तो ये मामला है। बच्चे की रोने की आवाज यहीं से आ रही थी, अंदर जाकर देखना होगा, शायद कोई सुराग मिल जाए। चलो। हाँ मतलब तुम जाओ, हम लोग यहाँ बाहर प्रॉपर्टी पर नजर रखेंगे। हाँ सिर्फ नजर रखेंगे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेंगे। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का पक्का। बेटा एक मिनट, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं सिग्नल करूंगा। साहिल तुम कोई आवाज नहीं करोगे, कोई सिग्नल नहीं करोगे। ओके नहीं करेगा, नहीं करेगा। ओके मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। And especially you. Okay. Vishesh. संभाल के जाना। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। मुझे विशेष की बहुत टेंशन हो रही है, वो अकेला कैसे मैनेज करेगा, मुझे भी अंदर जाना चाहिए। आशी अगर सच में अंदर एक बच्चे का भूत हुआ तो? साहिल तू मेरी बात सुन, मैं अंदर जा रही हूँ। है तू अंदर नहीं जा सकती, विशेष ने मना किया है ना, अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो हमारी बैंड बजा देगा। मैं तुझे ऐसे अंदर नहीं जाने दूंगा, तुझे कुछ हो गया तो? साहिल वो वहाँ अकेला है, अगर उसे किसी हेल्प की जरूरत पड़ गई तो?
मुझे अंदर जाना चाहिए। तू एक काम कर, तू यहाँ बाहर बैठ कर, मैं अंदर जाके चेक करके आती हूँ, ठीक है? मैं जा रही। आशी, आशी, सुन ना, आशी, सुन, आशी। मम्मी, भगवान जी, दरवाजा क्यों खुला है? लगता है बच्चों ने फिर से आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम बना लिया। दरवाजा भी खुला छोड़कर चले गए। कमाल है बच्चे भी ना। कितना अंधेरा है विशेष, बहुत डर लग रहा है मुझे। आशी, तू अंधेरे से डर रही है? आशी तुझे हो गया क्या? देख, डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, तू स्ट्रॉन्ग लड़की है, ठीक है? अब आगे बढ़ और विशेष को ढूंढ। थैंक गॉड विशेष ने मुझे देखा नहीं, अगर देखता तो गुस्सा हो जाता। अब मैं ऐसे उसका छुपके पीछा करती हूँ, वैसे भी ऐसी सुमसम जगह पर मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। हाँ, एक से भले दो। चलो विशेष, कहाँ चला गया? बच्चे का खिलौना, मतलब बच्चा यहीं कहीं है। आशी की काकी यहाँ इतनी रात गए, चुपके से किससे बात कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ प्रभा? ये आशी की काकी। क्या आशी काकी? क्या आशी की काकी घर के बाहर ये तुम क्या बोल रही हो प्रभा? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, दो दो बार झांक कर देखा है। आशी की काकी मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। अच्छा, आशी के मम्मी पापा तो यहाँ नहीं है, ऐसे में घर की और आशी की जिम्मेदारी तो हम पर ही है ना।
समझ में नहीं आता क्या करे, उसे बताए या नहीं। देखो प्रभा, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन काकी आशी के रिश्तेदार है, उसे हम बताएं भी तो कैसे बताएं, हम खुद भी तो यहां मेहमान हैं। तो हम क्या करें? देखो प्रभा, अभी तो हमें सिर्फ यही सोचना है कि हमारी वजह से आशी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, और जहां तक आशी को काकी के बारे में बताने की बात है, वो तो देखते हैं। विशेष भी नहीं दिख रहा, अरे ऐसे बाहर जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा, मुझे तो सारे रास्ते भी एक जैसे लग रहे हैं। तई आती क्या करूं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर छल कप, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर छल कप। क्या था ये? भगवान मुझे माफ कर दो, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, मुझे इतना डर लग रहा ना कि आगे की लाइनें याद ही नहीं हो रही। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे बचा लेना, आप हो ना मेरे साथ बस, और क्या चाहिए मुझे, और क्या चाहिए मुझे, और क्या चाहिए मुझे। हे भगवान, हे भगवान, राम 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 राम। लेकिन मैं डर क्यों रहा हूं यार, मैं एक एक्टर हूं, एक्टर एक्टर तो रियल सिचुएशन में अपने हुनर को बढ़ाता है, अपने एक्टिंग को और चमकाता है। क्या कर रहा हूं मैं? अरे ऐसी कितनी फिल्मों में होता है कि एक एक्टर एक हीरो एक हीरोइन के साथ डरावनी सिचुएशन में फल जाता है। अपने आप को ऑब्जर्व कर और अपनी एक्टिंग की टैलेंट और अपनी एक्टिंग की बैंक दोनों को बढ़ा। विशेष कहाँ फंस गई? आउट आउट। बच्चे की रोने की आवाज, इतनी आ कहां से रही है?